हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर रहेगा। फर्स्ट और सेकंड आपने देख लिया होगा, आई होप सो। प्लीज इसको बीच में मिसमैच मत करना, फर्स्ट देखना फिर सेकंड देखना फिर थर्ड देखना, बहुत इंटर रिलेटेड रहेगा और काफी आसान तरीके से बताया है पूरा केमिकल बॉन्डिंग, आपको काफी ईजी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो थर्ड चैप्टर में देखते हैं, हमने पहले ओवरलैपिंग देखा था, ओवरलैपिंग के एक दो क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो रिलेट करेंगे हम, विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड, विच वन इज अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करो तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाई बॉन्ड अगर मैं बात करूँ तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म विद द सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरा फर्स्ट ही आंसर जाना चाहिए यहाँ पर, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हाइब्रिड फ्रॉम द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है कि मेरा पाई बॉन्ड, बताइए। हाँ जी, यहाँ पर बिल्कुल भी और बॉन्ड में भी फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल, यस। रिजल्ट इन लैटरल लैटरल ओवरलैपिंग देखा था हमने, लैटरल में करता है ओवरलैपिंग की वजह से हमारा पाई बॉन्ड देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और उसका पाई बाय फॉर्म बाय द सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको पाई बॉन्ड का, ऑलरेडी फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग विल गिव अ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अगर मैं एक्स एक्स की अगर मैं बात करूँ, पी एक्स पी एक्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक्स के ही सिग्मा देगा, जो कॉमन होगा वो सिग्मा देगा, जो अनकॉमन होंगे मेरे वो क्या देंगे, मेरे को पाई देंगे। तो मेरा फर्स्ट ही आंसर जाना चाहिए। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी जो कॉमन होगा वो क्या देगा मेरे को, कॉमन जो होगा मेरा सिग्मा देगा, तो मेरा यहाँ पे जेड एक्सिस सिग्मा दे रहा है, बाकी अनकॉमन जो है मेरे को पाई पाई देंगे। तो ये चीज यहाँ पे मेरे को जेड एक्सिस पाई नहीं दे रहा है, तो मेरा गलत हो गया। एस में तो बिल्कुल भी पाई की गुंजाइश मत करो, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बनता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और एक्स और वाई की अगर मैंने बात करूँ तो सभी जीरो हो जाते हैं इसमें, एक्स वाई जेड सभी जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मेरा फर्स्ट आंसर चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज टू पी एन टू पी थ्री पी एन टू पी एन थ्री डी। तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बता देता हूँ, जो मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर आपको कौन सा ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पी पाई पी पाई। क्या देखने को मिलेगा, पी पाई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पी पाई और ये एक बनता है, और जो दूसरे दो बनते हैं दो इसके अंदर पी पाई डी पाई बनते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं sp3 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, sp3 की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऑल आर पी पाई डी पाई, ऑल आर पी पाई डी पाई, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए, तो आपको इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालने। तो ऐसा तरीका है, मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, तो यही मेरा आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मेरे को एक पी पाई पी पी चाहिए, और पी पाई और डी पाई चाहिए था, तो पी पाई और पी पाई डी पाई चाहिए था, तो मेरा फर्स्ट आंसर चल जाएगा। तो इसको प्लीज याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूँ, SS आएगा, फिर PP आएगा, फिर SP आएगा, और फिर SS फिर से आएगा। तो इस तरीके से आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, 2s 2s आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ये मेरा ऑर्डर है, प्लीज इसको याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द एटलीस्ट डाइपोल मोमेंट। क्या सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो मैं आपको एक बार डाइपोल मोमेंट के बारे में पूरा बता ही देता हूँ, क्या क्या चीज डाइपोल मोमेंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें देखना है डाइपोल मोमेंट कैसे बनता है। जहां पर डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपको, तो डाइपोल मोमेंट की यहाँ पे आपको पता होगा, तो डाइपोल कैसे बनता है हमारा, जहाँ पे EN ज्यादा होगा उस तरफ आपको डायपोल जाते हुए दिखेगा। तो अगर मैं H और CL की यहाँ पे बात करूँ, तो आपको इस तरीके से डायपोल बनाते आना चाहिए, इस तरीके का डायपोल बनता है जहाँ पे EN सबसे ज्यादा होता है, तो ये चीज याद रखना है। अगर U मेरा जीरो होगा तो ये क्या होगा, मेरा नॉन पोलर, क्या होगा, नॉन पोलर। और अगर मेरा U नॉन जीरो होगा तो ये मेरा कैसा होगा, पोलर, ये मेरा कैसा होगा, पोलर। यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर डायरेक्शन बताता है, टुवर्ड्स द मोर ईएन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इनके अंदर लोन पेयर डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द सेंट्रल एटम और द मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगर इनकी लोन पेयर ऑफ द डायपोल मोमेंट जो कि है,
is always formed by फॉर्म सेंट्रल एटम और मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को बनाते हैं ये, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूंगा कुछ कुछ स्पीसीज का, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा और आपको इनको जो है याद रखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे आपको दूंगा, क्या कहते हैं इसके, आपके बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको दूंगा, तो आपको प्लीज इसके अंदर याद रखना है। तो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सिमेट्रिक कंपाउंड की बात करते हैं, सिमेट्रिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे आपको सिर्फ यू इज इक्वल टू जीरो देखने को मिलेगा, और नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर, आपको आंखें देख के अगर ये वाली फॉर्म देखने को मिल जाएगी तो आप सीधा इनको क्या कर देना, जीरो कर देना, जिनके अंदर लोन पे एकदम जीरो होंगे। तो क्या होंगे, AB2L0, AB3L0, AB4L0, ठीक है, AB5L0, ठीक है, AB5L0, AB6L0, AB6L0 और AB7L0, ठीक है, AB7L0, सब L0 देखने को मिल रहे हैं। ये सभी मेरे कैसे हैं, नॉन पोलर, U इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। और जो लोन पेयर की अगर मैं बात करूं, AB2L3 और AB4, ये तो लीनियर कंपाउंड है, आपको पता होगा, ये भी नॉन जीरो है। AB4L2 की अगर मैं बात करूं, ये भी मेरे नॉन जीरो हो गए, और AB5L2 की अगर मैं बात करूं, ये भी मेरे नॉन पोलर। ये सारे जो है कंपाउंड अगर आप याद कर लोगे तो ये मेरे नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट, अभी इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके देता हूँ, नोट कर कर लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट जो है आपको इनके अंदर दो चीजें याद रखनी, एक तो यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, उसके बाद CH3F, CH3Br, ये डाइपोल मेन की ऑर्डर है, ठीक है, और ये CH3I, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, मतलब इस तरीके का ही है, ये इस तरीके का ऑर्डर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके का ऑर्डर है। तो ये मेरा ये चीज ये वाला ऑर्डर प्लीज याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम CH3Cl, ठीक है, CH3Cl2, CH2Cl3, सॉरी पे टू कर दो, CH2Cl2, यहाँ पे फिर CH3, उसका CCl4, CCl4। तो जितने जितने ज्यादा क्लोरीन के साथ दिखोगे उतना कम उतना पोलर, उतना क्या होगा मेरा नॉन पोलर उतना, यहाँ पे जितने एच दिखेंगे वहां पे पोलर। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। उसके बाद और एक और चीज बता देता हूँ मैं, H2O और HF में अगर मैं बात करूँ, तो ये दे रखा है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको प्लीज याद रखना है। एक्चुअली में ऐसा एचएफ ज्यादा होता है पोलैरिटी में, तो इसको प्लीज एनसीईआरटी में अगर ये दे रखा है तो आपको इसको एनसीईआरटी के थ्रू जाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कितने भी मार्क्स मार लो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ NH3, बड़ा हो जाएगा मेरा NH3 से NF3 से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे जितने भी मैंने ऑर्डर बताए ये इनको तो आपको याद रखना है। एक और आ जाता है H2S, H2O से ज्यादा है तो H2S। तो ये मेरे जितने भी मैंने आपको बताया ये पोलैरिटी के बारे में, तो ये आपको प्लीज याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको प्लीज याद ही रखने हैं। ये जो है मेरा, ये भी नॉन पोलर है, ये भी मेरे कैसे है नॉन पोलर है, सॉरी पोलर, ये भी मेरे पोलर है, ये भी मेरे पोलर है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, इस तरीके से जब आपको याद करने का मौका मिल रहा है तो आप इसको जब याद करोगे तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखेंगे और फिर आप सीधा आंसर ठीक कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे हमारे डायपोल मोमेंट के बारे में ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है डायपोल मोमेंट पे, आपको बस अभी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लीस्ट डायपोल मोमेंट, सबसे कम डायपोल मोमेंट कौन से मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। H2O की अगर बात करो, ये नॉन पोलर है, ए पोलर है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसके बाद बी, उसके बाद NH3 की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी मेरा कैसा है नॉन पोलर है। HF3 भी मेरा नॉन पोलर है, पोलर है, सॉरी भाई नॉन पोलर के ऊपर पोलर है। LBF2 है मेरा जो है, ये आपका पोलर है, कैसा है पोलर है, क्योंकि इसके अंदर AB2L0 आ गया, AB2L0 आ गया, ये नॉन पोलर है, इसको U इज इक्वल टू जीरो, तो ये कैसा है मेरा नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो ये चीज आपको अब भी मैंने इसमें बता दी, इसमें देख लिया ना आपने, यहाँ पे नॉन पोलर, ठीक है, इस चीज में आपने देख लिया इसमें किस तरीके से होता है।
तो इसमें आपको देख लिया देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट, कौन से हमारे फॉलोइंग में से जीरो डायपोल मोमेंट होगा, जिसका लोन पेयर जीरो होगा, ए बी ए बी थ्री एल जीरो, यही आ गया पहला ही ऑप्शन है जिसका लोन पेयर आपको जीरो दिख रहा है, और इसका डायपोल मोमेंट कैसा होगा, डायपोल मोमेंट हैज द जीरो डायपोल मोमेंट इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। यू इज इक्वल टू जीरो, U इज इक्वल टू जीरो मीन्स नॉन पोलार, मीन्स नॉन पोलार, इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डायपोल मोमेंट ऑफ दिस इज इतना, एंड द डायपोल मोमेंट इसका कितना होगा, तो मेरा एक्स का इस तरफ जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये तीनों तो एक दो 120 डिग्री के ऊपर ये एक दूसरे से तो लड़ मरे, तो कितना बचा, एक ही मेरा बचा, तो एक ही मेरा कितना डायपोल मोमेंट देगा, 1.5, तो 1.5 डी डी मेरा डायपोल मोमेंट देगा। इस तरीके से करने होते हैं भाई क्वेश्चन, हंसी आ रही होगी। विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज अ मोर डायपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसकी अंदर देखने को मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे बताना है आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें भी देख लो ये तीनों भी मर मर पड़े, तो एक ही बचा होगा, इसमें एक ही बचा होगा, ये तीनों भी लड़कर मर पड़े, ठीक है, और उसके बाद ये तीनों भी लड़कर मर गए, तो इसके अंदर एक ही बचा है, एक ही बचा है, ठीक है, एक ही है। इसके अंदर भी यहाँ पे क्या है, दोनों दोनों मिलाकर, अगर आप इन दोनों को मिलाओगे, दोनों मिलाकर, क्योंकि इनका जो डिग्री देख रहे हो आपको 90 से कम है, तो इन दोनों को मिलाकर एक बनेगा, एक ही कोई बनेगा यहाँ पे एटम, एक ही बनेगा, और इसका ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो मेरा क्या है, ऑल हैव द सेम डाइपोल मोमेंट, ऑल ऑफ देम हैव द सेम डाइपोल मोमेंट, यही भाई आंसर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आपकी किसके अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो पैरा मेटा आपको पता ही होगा, अभी हम इसमें देख ही रहे हमारे ऑर्गेनिक में, ठीक है, तो ऑर्थो पैरामीटर तो आपको पता ही होगा, ये मेरा ऑर्थो हो गया, इसके बाद पैरा की भी कर लेते हैं बात यहाँ पे, ये मेरा पैरा ये मेटा हो गया, और उसके बाद एक और बात कर लेंगे हम, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा और यहाँ पे मेटा हो गया, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये तो इसका तो म्यू जीरो ही हो गया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये नॉन पोलर हो गया, जिसका म्यू ज्यादा उसका जो है थीटा कम, तो आपको क्या बोला, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट आपको पूछ रहा है, तो जिसका म्यू थीटा किसका कम है, उसका इसका सबसे थीटा मेरे को कम दिख रहा है, उसका म्यू सबसे जो पोलारिटी ज्यादा होगी, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मेरे को यहाँ पे ज्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट देते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, बोथ सीओ टू एंड एच टू कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बट द सीओ टू इज नॉट पोलर वाइल द एच टू इज पोलर बिकॉज, तो मेरे को यहाँ पे बताना है आपको सीओ टू और एच टू मेरे कैसे है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बट सीओ टू इज नॉट पोलर और एच टू इज पोलर कंपाउंड, ऐसा क्यों, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लीनियर कंपाउंड देखने को मिलते हैं आपका सीओ टू, वाइल द एच टू इज एंगुलर मॉलिक्यूल, एंगुलर मॉलिक्यूल क्यों है, एंगुलर मॉलिक्यूल, ये इसके 180 डिग्री देखने को मिलता है, इसके वजह से आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज प्लीज आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन के लिए सबसे ज्यादा ट्रू क्या है, नाइट्रेट आयन की क्या है, फॉर्मल चार्ज एन इज जीरो, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ द नाइट्रेट आयन जो होता है, फॉर्मल चार्ज की अगर मैं नाइट्रेट आयन की बात करूँ तो वन होता है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनओ की अगर मैं बात करूँ तो एनओ की बॉन्ड ऑर्डर जो भी होती है, तो नाइट्रेट आयन बना के दिखा देता हूँ एक बार आपको, फिर आसानी से बनाते आ जाएगा। इस तरीके से दो डबल बॉन्ड ओ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके का एक ओ माइनस में और यहाँ पे एक ओ माइनस में, तो आपको कितना बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4/3 बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, इस बॉन्ड ऑर्डर तो मेरा सेकंड ही है ट्रू, मेरा बॉन्ड ऑर्डर एकदम सही कह रहा है, यहाँ पे 4/3 देखने को मिलेगा। फॉर्मल चार्ज कितना देखने को मिलेगा आपको, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा -2/3, ठीक है, -2/3, तो नाइट्रोजन का तो वन ही आ जाएगा, मेरा ऑक्सीजन का -2/3 आएगा और नाइट्रोजन का तो वन ही आएगा, तो यहाँ पे तो जीरो दे रखा है, तो ये चीज आपको, ये तो इसका है भाई, कट मत करो इसको, यहाँ पे मिटाई दो इसको, यहाँ पे लिख ही दिया ना इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन का वन आएगा। एवरेज फॉर्मल चार्ज की भी बात कर ली हमने, एवरेज फॉर्मल चार्ज की बात करें -2/3 आ रहा है आपका, ठीक है, और नाइट्रोजन का वन आ रहा है फॉर्मल चार्ज। उसके बाद देयर आर टू पाई बॉन्ड इन द आयन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल आर सच दैट, तो ये जो मेरे को गिवन मॉलिक्यूल है इनका डायपोल मोमेंट आपको याद रखना है, इनके जितने भी डायपोल मोमेंट के आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। एनएच और एनएफ3 में, अभी एनएच3 और एनएफ3 में हमने देख लिया था, और इसको बीएच3 भी आप ऐड कर लो, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव पोलर बॉन्ड बट जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट किसके अंदर देखने को मिलेगा, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्डिंग के अंदर देखने को मिलेगा जीरो डायपोल मोमेंट किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो मेरा सी एफ थ्री की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एफ 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 की बात करते हैं हम, यहाँ पे
आपको सी एफ थ्री के यहाँ पे बात करते हैं, एफ फोर के यहाँ पे बात करते हैं, ए बी फोर एल जीरो, जो भी देखा हमने जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये मेरा सी एफ थ्री जाना चाहिए था, हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, मेरा सी एफ थ्री जाना चाहिए आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्लेनर एंड नॉन पोलर, जो हमारा प्लेनर भी हो और नॉन पोलर हो। तो प्लेनर कौन कौन से होते हैं मेरे, ए बी टू एल जीरो हो जाते हैं मेरे प्लेनर, और नॉन पोलर भी हो जाते हैं। तो जिसके अंदर ए बी टू एल जीरो आपको देखने को मिल जाएगा तो वो भी आ जाएगा, या फिर आपको स्क्वायर प्लेनर भी देखने को मिल जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर के लिए हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर की आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ए बी फोर एल टू, ए बी फोर एल टू तो देख ही लेते हैं, XCOFO4 का मेरा जो होता है ए बी फोर एल जीरो, नॉन पोलर है पर इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है क्या, प्लेनर है क्या, नहीं ये टेट्राहेड्रल है, ये भी कितना आ जाएगा ए बी फोर एल जीरो, मेरा XC ए बी फोर एल टू आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे एट एट कार्बन देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा आ गया स्क्वायर प्लेनर, ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए, थर्ड आंसर स्क्वायर प्लेनर आ जाना चाहिए, ठीक है ये मेरा थर्ड आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं एक दूसरे की, ए बी फोर एल टू एल वन, और इसमें अगर मैं बात करूँ ए बी फोर एल जीरो, आपका सी एफ फोर देखने को मिल रहा है, तो ये भी मेरा कैसा है, यू इज इक्वल टू जीरो है पर नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो नॉन प्लेनर भी है, नॉन प्लेनर है ये, प्लेनर नहीं है, तो मेरा थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है थर्ड आंसर देखने को मिल रहा है, प्लेनर कंपाउंड है और नॉन पोलर भी है, तो मेरा जो है थर्ड आंसर देखने को मिल रहा है। आपको बता दिया था मैंने ए बी फोर एल टू, ए बी फोर एल टू और क्या क्या बता दिए थे मैंने, ए बी फोर एल टू, ए बी थ्री, ए बी थ्री एल थ्री, ए बी थ्री एल थ्री, ए बी फोर एल टू और क्या, ए बी फाइव एल टू, ये मेरे क्या हो जाते हैं इनके अंदर डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है, ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट कैरेक्टर, डायपोल मोमेंट कैरेक्टर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अभी इस चीज का मैंने कहा था ना आपको इंपॉर्टेंट होगा, तो ये चीज फिर से आ भी गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा एफ फिर क्लोरिन फिर ब्रोमिन आता है, फिर क्लोरिन फिर ब्रोमिन, फिर पहले क्लोरिन आता है फिर ब्रोमिन, फ्लोरिन आता है फिर ब्रोमिन फिर आयोडीन आ जाता है, तो सी एच थ्री में, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर देखने को मिलेगा। पीसीएल फाइव इज अ नॉन पोलर बिकॉज, पीसीएल फाइव अगर मैं बात करता हूँ पीसीएल फाइव जो कि मेरा नॉन पोलर है, तो पीसीएल फाइव में आ जाता है इसका डायपोल मोमेंट किसका, नॉन पोलर मतलब डायपोल मोमेंट मेरे को जीरो चाहिए, तो जीरो क्यों चाहिए, क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट अगर जीरो होगा इसलिए ये नॉन पोलर होगा। क्या ही क्वेश्चन है भाई, क्या ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा ए बी टू, ए बी टू एल, ए बी टू एल एल जीरो, ए बी थ्री एल जीरो, यहाँ पे ए बी टू, ए बी टू एल थ्री आपको देखने को मिलेगा, इसमें ए बी, ए बी थ्री एल जीरो, तो ये सब आपके कैसे नॉन जीरो कंपाउंड है, यू इक्वल टू नॉन जीरो, इनके अंदर डायपोल नॉन पोलर, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एन आयनिक बॉन्ड जो ए प्लस बी माइनस इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म व्हेन, जो मेरा अभी आयनिक कंपाउंड के ऊपर आ गए हम, आयनिक बॉन्ड को आपको क्वेश्चन के थ्रू ही करना है, आयनिक बॉन्ड का कुछ स्पेशली ऐसा कुछ बहुत बड़ा तोप वाला जो आ जाता है लैटिस एनर्जी वगैरह की अगर यहाँ पे बात कर लेंगे हम, थोड़ी सी क्वेश्चन के आंसर ही देख लेंगे हम, क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा मैं लैटिस एनर्जी फजान रूल के बारे में बता दूंगा, और कुछ नोट है इसके एक दो नोट्स वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिखा दूंगा, तो आयनिक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, तो क्वेश्चन के थ्रू ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। तो जब आयनिक बॉन्ड अगर इसको बनाना होगा तो हमारे आयनिक बॉन्ड के लिए हमारे आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए कैटाइन के अंदर, और आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी हाई होनी चाहिए एनायन के अंदर, तो ये चीज बनाती मेरा क्या फेवर करती आयनिक बॉन्ड को बनाने में मदद करती, तो जिसमें भी आंसर दिख जाए टिक कर दो, मेरे को लग रहा है सेकेंड मेरा आंसर जाएगा, ठीक है हाँ सही है। नेक्स्ट बात करते हैं इन अ गिवन बॉन्ड विच वन इज अ मोस्ट आयनिक, इन दोनों में इन सब में से सबसे ज्यादा मोस्ट आयनिक कौन सा होगा, तो जितना छोटा कैटायन और बड़ा एनायन वो मेरा मोस्ट आयनिक देखने को मिलेगा, तो मेरे को फर्स्ट आंसर देखने को मिला है इसमें छोटा कैटायन और बड़ा एनायन आपको फर्स्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोलराइजेशन इज डिक्रीजिंग इन ऑफ द शेप ऑफ द आयन इन एडजेसेंट प्लेस ऑफ द कैटायन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मेरा पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द कैटायन एट हाई डिग्री, मैक्सिमम पोलराइजेशन ब्रॉट अबाउट बाय द कैटायन इज एट द लो रेडियस,
और कैटाइन एट द लो रेडियस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, पोलराइजेशन की यहाँ पे बात कर रहा है। कैटाइन की अगर हमने बात की थी तो जितना छोटा कैटाइन होगा उतना आयन के लिए मैक्सिमम पोलराइजेशन देगा, तो लो रेडियस के ऊपर कैटाइन देखने को मिलेगा, तो मेरा सेकेंड आंसर जाना चाहिए। मैक्सिमम पोलराइजेशन, इसको एक बार मैं कंफर्म करूंगा, थोड़ा मैक्सिमम और मिनिमम में थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, ठीक है इसको मैं कंफर्म करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो लैटिस एनर्जी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लैटिस एनर्जी अगर चार्ज की बात में बात करते हैं, जिसका चार्ज बढ़ेगा उसकी लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, और उसके बाद चार्ज के बाद अगर मैं साइज की बात करूँ तो जिसका साइज घटेगा उसकी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो आप चार्ज देखोगे, पहले चार्ज देखोगे, चार्ज अगर सेम आ गया तो उसके बाद सेकेंड आप साइज देखोगे, क्या देखोगे, फिर उसके बाद साइज देखोगे। तीन सब में KF और KFCl3 में आपको तो चार्ज तो सेम ही दिख रहा है, तो साइज देखोगे तो F की सबसे ज्यादा कम साइज होती है, तो ये सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी दिखाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर BCl3 एंड AlCl3 एंड GaCl3 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर, तो मेरे को आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। कैटाइन में कैटाइनिक का अगर मैं बात करूँ, कैटाइनिक की बात करूँ यहाँ पे, तो Al में, B में, Al में और जीए में देखने को मिलेगा इस तरीके से, और फिर आपको इनको Cl3 यहाँ पे आयनिक तो सेम ही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी यही आ जाएगा, मेरा फर्स्ट आंसर आने को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, चार्ज एंड साइज ऑफ द रेशियो ऑफ द कैटाइन डिटरमाइन द पोलराइजिंग पावर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइनिक स्पीसीज, तो ये मेरी कैटाइनिक स्पीसीज है, तो आपको मैं बता दूं कि कैटाइनिक स्पीसीज का कैसा था, चार्ज अपॉन साइज देखते हैं ये, तो चार्ज इसका सबसे ज्यादा होगा उसकी कैटाइनिक स्पीसीज सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे दे रखा है, और इन दोनों में तो चार्ज सेम दे रखा है, तो साइज की बात करेंगे, जिस मैग्नीशियम की साइज ज्यादा होती है बेरियम से, तो ये मेरी फोर्थ आंसर जाते हुए दिखेगा। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहा है, तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी की हमने बात कर ली, आपको पता है कि पहले चार्ज देखो, चार्ज सेम आ गया तो उसके बाद आपको साइज देखना है, तो MgO और Ca की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ए जाना चाहिए, ए आंसर जाना चाहिए, क्योंकि Mg का सबसे कम साइज होता है इन बाकी के कंपेरिजन में, Ca का भी ज्यादा होता है, Na का भी और पोटेशियम का भी ज्यादा होता है। उसके बाद बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर, इसमें आपको आयनिक कैरेक्टर बताना है, तो आपको मैं बता दूं बेरिलियम कैल्शियम एंड ब्रोमियम आ जाएगा, जिसके अंदर देखने को मिल जाएगा वो आपके आयनिक कैरेक्टर अमाइंग द जिसमें देखने को मिले, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है इस तरीके से याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल आपके वो कौन से नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आपको आपको मैंने पहले ही बता दे रखे थे कौन से हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड हमारे डायरेक्शन होते हैं, नॉन डायरेक्शन मेरे आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो आयन किसके अंदर देखने को मिलते हैं, RBCl, RBCl के अंदर मेरे को आयन देखने को मिलते हैं, तो नॉन डायरेक्शन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम क्लोराइड हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसके अंदर मेड अप ऑफ द Na प्लस एन सी एल माइनस आयन, वाई डज द NaCl नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोडियम स्टेट, तो सोडियम स्टेट में मेरा NaCl कंडक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, तो ये चीज आपको बतानी है, क्यों नहीं करता भाई बता दीजिए, द आयन ऑन द NaCl बिकम मोबाइल Only in the molten state, मोबाइल के अंदर molten state में चले जाते हैं क्या हमारे, बताइए बताइए बताइए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो NaCl become mobile only in a molten state and are not free to move in a solid state, एकदम सही कह रहे हैं, molten state में ही मेरा मोबाइल होते जाते हैं। अगर मैं बात करूँ आयनिक कैरेक्टर आपको सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, लिक्विड के अंदर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर इसके को इलेक्ट्रिक कंडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड के अंदर इसका बिल्कुल भी नहीं करता है, लिक्विड के अंदर करता है और गैस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्या किसकी बात कर रहे हैं मैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, आयनिक कैरेक्टर के लिए, आयोनिक कैरेक्टर के लिए, तो ये चीज एप्लीकेबल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट विच फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड, विच फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड, ऐसा कौन सा है जो आयनिक कंपाउंड बनाता है जिसका साइज देखने को कम है, बेरिलियम मेरा जो है बनाता है, तो ये चीज आपको प्लीज याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अमंग द दिस फॉलोइंग ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर, ग्रेटेस्ट जो कि मेरा RBCl देखने को मिलेगा,
सेम चार्ट में आपको साइज को देखना है, जिसकी साइज कम लिथियम उसका सबसे लीस्ट देखने को मिलेगा, ग्रेटेस्ट और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका आ जाएगा, मेरा BeCl2, BeCl2 पे मेरे को सबसे लीस्ट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो ये चीज आ जाएगी, मेरी थर्ड ऑप्शन चले जाएगा लीस्ट कैरेक्टर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मेरा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ये तो मेरा गैस है, उसके बाद ये NH3 की अगर मैं बात करूँ तो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी मेरा कोवेलेंट है, यही मेरा बच गया आयनिक कंपाउंड, तो ये मेरा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी दिखाता है। तो इसी के साथ आपका जो है थर्ड पार्ट यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का पूरा खत्म होता है, और आपके नोट्स भी आपको थर्ड पार्ट के यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं लास्ट पार्ट में इसके, हमारे फोर्थ पार्ट में, बहुत ही ज्यादा आसान है और आपको मजा आएगा उसको करते हुए, और उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।